समस्याएं सब जगह हैं। मैंने आपसे पहली बात कही कि वो भारतीय जनता पार्टी से आए हैं, संघ से आए हैं। संघ और भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं होती। वहां पर जो प्रचारक ने कह दिया, जो संघ प्रमुख ने कह दिया, वो भगवान का वचन। तो साहब उससे ज्यादा वो उनको सोचने की अनुमति नहीं है, उससे ज्यादा का उनकी स्थिति नहीं। वो अपना चेपो जो थोड़ी बहुत करनी हो कर ले, रो ले, रुदाली कर ले या ना करें, उनकी मर्जी। कोई बर्दाश्त कर जाता है, कोई कह देता है, उससे ज्यादा की हैसियत नहीं। वो जानते हैं कि जिस दिन यदि नरेंद्र मोदी उन्हें हटा देंगे तो वो क्या कर ले। तो कमोबेश स्थितियां जो आप ये समझ लीजिए। तो कुल मिलाकर के किसी की आज औकात नहीं है। आज नरेंद्र मोदी ही सर्वे सर्वा है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए मैं कहना नहीं चाहता था, राजनाथ जी से हमारे पारिवारिक चूंकि संबंध है, पिताजी के वो परम मित्रों में से हैं, तो इसलिए मैं उस पर और ज्यादा नहीं कहूंगा। लेकिन इतना कहूंगा कि राजनाथ सिंह को एक जमाने में आप सबने देखा है कि कितना ठोक के बात करते थे, कैसे करते थे, वही सत्ता को बिल्कुल उखाड़ फेंकने की बात करते थे। याद कर लीजिए जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे लखनऊ में, और चूंकि मैं उन दिनों लखनऊ में ही पत्रकारिता करता था इसलिए रोजाना जाके हाँ चचा कह के बैठ जाता था। तो साहब बहुत सारी चीजें और साफ साफ कहा करते थे और जो जो कहना होता था। तो उसके बाद में बिल्कुल कि नहीं हम हटा के छोड़ेंगे, और हटा के छोड़ा उन्होंने। कल्याण सिंह जैसे को, जिनको कल्याण सिंह को माना जाता था, सोच ही नहीं सकते हैं। उन्हीं के कारण तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, क्योंकि उन्होंने यदि बाबरी मस्जिद न गिरवाने में मदद की होती तो शायद ये स्थिति नहीं होती। तो इन सारी स्थितियों के बाद में कल्याण सिंह को हटाया गया। फिर उसके बाद हुआ, फिर राजनाथ जी मुख्यमंत्री भी बने, वो भी समय आया। तो उन सारी चीजों को मैं ये कहूंगा कि देखिए, उसके बावजूद नरेंद्र मोदी ने जब उन्हें एक प्रकार से साइड लाइन कर रखा है, लेकिन उनकी स्थिति क्या है, फिर भी नहीं बोल पा रहे। अब बेचारे क्या बोले, अपनी इज्जत बचानी है, और बोल के भी क्या फायदा होगा। वो जानते हैं बहुत अच्छे ढंग से कि ये संघ और ये भाजपा और क्या है, तो उसके चरित्र को जानते हैं, जो जिनके उनसे पारिवारिक रिश्ते हैं वो लोग जानते हैं, वो खुद ही बता देंगे कि क्या स्थितियां और क्या नहीं है। तो ठीक बात, चलिए, चूंकि ये बात मैं बहुत चीजें इस पे मैं इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे अपने खुद के रिश्ते हैं और मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। ये निजी रिश्ते, और मैं उन्हें पिता की तरह आदर करता हूँ क्योंकि वो मेरे पिताजी के मित्र। ठीक बात, और इतनी सी नहीं बात नहीं ठीक कहूंगा बात है। कि जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बात तो सही कह रहे हैं, कार्यशैली बड़ी अजीब सी है, मैं गुजरात की पूरा तो मंत्रालय उसका दिया कमोबेश जाता है। वो भाजपा, सुन लीजिए, वो भाजपा जो 2014 तक होती थी, वो भाजपा आज भाजपा नहीं है। पहली बात, आज भाजपा एक तानाशाह भाजपा है, भाजपा नहीं है तानाशाह, उसको चलाने वाले लोग तानाशाह। पहले माना जाता था कि जो संघ के लोग हैं वो बड़े सरल और बड़े वो। जब मैं पहली बार मोहन भागवत मेरे से मिलने आए, तो उस समय मुझे लगा कि वो बहुत शालीन होंगे, संत की तरह से होंगे और ऐसे आते होंगे। जब आए और आने के बाद में उनसे बात करके, मैं उनका निजी तौर पे आदर इसलिए करता हूं क्योंकि मेरे लिए उन्होंने बहुत मदद की है मेरी। लेकिन मैंने उसके बाद में मेरा वो भ्रम टूट गया, बस इतनी बात कहूंगा, इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। नहीं ठीक बात है। नहीं एक्चुअली बात ये है मैं ना, आपको दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको, फोटो दिखाता हूँ। मेरे घर पे आए मेरे पास और आ करके जो, तो मैं वो स्थिति की आप ये समझिए कि जो लोग कहते हैं, जिन लोगों की स्थिति नहीं है कि उस बराबर में, मैं तो आपको चीजें की, आपको पता है कि नरेंद्र मोदी और हम 5 महीने साथ साथ रहे हैं। मतलब तो उस स्थिति में मैं जिनको जानता हूं कि उनकी क्या स्थिति और क्या है, अब वो कुछ बताएं अपनी कि हाँ हम महिमा मंडित कोई करे कि वो बड़े भारी संत हैं या बड़े भारी हैं, तो भाई मैं तो नहीं मानूंगा। जिसको मानना है वो मानता रहे। ये आप देखिए मेरे घर पे ही है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।